दोस्तों, अभी अभी कुछ समय पहले पवन सिंह ने एक बहुत बड़ा अनाउंसमेंट किया है। पवन सिंह जी का ये कहना है कि भाई वो चुनाव तो लड़ेंगे, लेकिन इस बार ये जितना बड़ा ऐलान है, इसको ऐलान कह लीजिए या फिर एक शेर की दहाड़, पवन सिंह चुनाव तो लड़ने वाले हैं लेकिन चुनाव क्षेत्र बदल गया है। नमस्कार और सादर प्रणाम, आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे चैनल देसी भारत पर। मेरा नाम गणेश कांदू है। आपको बता दें कि पवन सिंह के चुनाव लड़ने की अटकलें बहुत तीव्र पे थी। पवन सिंह कलकत्ता आसनसोल से चुनाव लड़ने वाले थे, ऐसी खबरें भी आ रही थी, लेकिन अचानक से पवन सिंह ने कलकत्ता से चुनाव लड़ने के लिए खुद ही मना कर दिया। और अब जो बातें सामने आ रही हैं, जो खबरें सामने आ रही हैं, वो थोड़ा सा और भी ज़्यादा चौंकाने वाली हैं। दोस्तों, मैं आपको दिखा देता हूँ कि क्या पवन सिंह ने ट्वीट करके अपने इंस्टाग्राम पर अपलोड करके जानकारी दिया। पवन सिंह जी ने, आप देख सकते हैं पवन सिंह जी का ट्वीट है, इसमें लिखते हैं पवन सिंह जी कि माता गुरु तरा भूमेरु, अर्थात माता इस भूमि से कहीं अधिक भारी होती है और मैंने अपनी माँ से वादा किया था कि इस बार चुनाव लड़ूंगा। मैंने निश्चय किया है कि 2024 का चुनाव काराकट बिहार से लड़ूंगा। जय माता दी। तो दोस्तों, इस पर देखें अगर कुछ पवन भैया के समर्थकों का क्या कहना है, तो सबसे पहले तो डिंपल सिंह जी लिखती हैं, वाह ये हुई ना बात। उसके बाद कोई लिख रहा है कि अभी के चुनावी लहर के अनुसार काराकट में उपेंद्र कुशवाहा जी की ही जीत तय है। उसके बाद कोई लिखता है शेर घायल है मगर दहाड़ना नहीं भूला, अगर सनक गया तो एक ही बार में 100 को फाड़ना नहीं भूला। कोई लिखता है कि जीत की हार्दिक बधाइयां पवन भैया। तो अभी से जो है बधाइयों का तांता लग चुका है। कोई कह रहा है कि स्वागत है भैया आपका हमारे क्षेत्र में, तो कोई कह रहा है कि भाई आने वाले भावी विधायक तो आप ही हैं। अब देखने वाली बात है दोस्तों कि पवन सिंह काराकाट से चुनाव लड़ते हैं तो जीतते हैं या नहीं जीतते हैं। लेकिन एक हिसाब से देखा जाए तो यार, जितने बड़े सुपरस्टार पवन सिंह हैं, जितना बड़ा उनका नाम है, जितना बड़ा उनका दबदबा है और जितना उनका वर्चस्व है, उस तरीके से, उस हिसाब से अगर देखा जाए तो पवन सिंह को जीतने से कोई रोक नहीं सकता। बिल्कुल इसी तरीके की चीज नजर आ रही है, उनकी जीत निश्चित सुनिश्चित है, ये बात पक्की सी नजर आ रही है। लेकिन फिर भी एक बहुत बड़ा सवाल बना हुआ है कि क्या काराकाट की जनता जो है वो पवन सिंह का उतना ही समर्थन करेगी या नहीं करेगी, वो पवन सिंह का उतना ही साथ देगी या नहीं देगी। लेकिन फिलहाल इस पर आप लोगों का क्या कहना है दोस्तों, आप लोगों की क्या राय विचार विमर्श है, जरूर बताएगा हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर। मिलते हैं आप सभी से अगले वीडियो में। धन्यवाद।